आज तक मजदूर भाई अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी रोजी रोटी की समस्या, भूखमरी की समस्या की स्थिति आ गई है, और साथ ही प्रकृति भी अपना प्रकोप जारी रखे हुए है। अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति देखने में आ रही है अब फन तूफान के कारण, कि वहां पर भी कितनी जो है दयनीय स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम सभी लोग मिल करके अगर इस मुद्दे पर कुछ सोचेंगे, कुछ करने का सोचेंगे, तो यह लोगों के लिए हितकारी जी होगा। मैम, जी मैम, हमारी आवाज़ आप सुन रही हैं मैम? थोड़ा मैम, जी आप जैसे फैन चल रहा है आपके यहाँ, तो थोड़ी देर के लिए फैन ऑफ कर लेंगे तो आपकी आवाज़ और क्लियर आएगी। जी मैम, नहीं जी आ रही आवाज, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आपके जी यहाँ जैसे कोई आ रही है पंखा आवाज। या कुछ, जी पंखा या कुछ और जैसे चल रहा है, तो उसकी आवाज़ मिल जाने से आवाज़ बाधित हो रही है आपकी। तो अगर पंखा चल रहा हो तो बंद कर दें आप। जी, पंखा बंद हो गया, पंखा बंद हो जी गया। अब आ रही है हाँ क्लियर। जी, धन्यवाद सर, आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और अधिक समय न लेकर के मैं इस महामारी से निपटने के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ने के लिए सभी को सादर आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपना विचार रखें, और आपका विचार हमारे श्रोताओं के लिए, हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी रहा। और यह विचार, छोटे छोटे विचारों के माध्यम से हम एक विचारों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, और आम जन की समस्याओं को हम आम लोग ही लेकर ऊपर तक जाएंगे। और जब हमारे बीच से हमारी आवाज हम तक सबको तक पहुंचेगी, और हमें वास्तविकता का परिचय होगा कि वास्तव में जो सरकारी आंकड़े होते हैं और जो हम लोगों के, जी, उन आंकड़ों के बीच में क्या अंतर रह जाता है, इस चीज को हम तभी समझ पाएंगे जब हम आप सबके विचार, हम आप सबके, जी, डॉक्टर गजेंद्र नाथ सर जी, सर आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो सर, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है हेलो, सर। जी हाँ, मिल रही है। अच्छा हाँ जी अच्छा सर, स्वागत है सर आपका। सर थैंक यू सर सर। आप, जी, जी सर, आप अपना वक्तव्य शुरू करें सर। जी, बड़ी खुशी की बात है और सुना है कि हम भूमिका अंतिम मोड़ पर खड़ा महाविद्यालय समसामयिक विषय पर चर्चा कर रहा है। इसके पूर्व में भी आपका एक सफल वेबिनार संपन्न हुआ था। मैं संचालक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, साथ ही बहुत आज बहुत के धन्यवाद चेयरपर्सन। आपका भी सर। हेलो, जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आज के बताएं। हाँ चेयरपर्सन, मुखवक्ता, प्राचार्य जी महोदय, संस्थापक जी सर, एवं समस्त निश्चित रूप से आज जो ये आपने सामसामयिक चर्चा का विषय रखा है, कुछ फ्रूटफुल निष्कर्ष निकलेंगे। मैं डॉक्टर जी ने बहुत सारे कही आर्थिक क्षोभ हुआ, मैं थोड़ा सा दूसरे पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर आज जो वैश्विक महामारी कोविड-19 का जो प्रकोप है, ना केवल भारत बल्कि दुनिया के समस्त देश इसके आगोश में समा चुके हैं, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। निश्चित रूप से कोरोना ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर डाला है। देखना यह है कि लॉकडाउन में हमारा इकोनॉमिक नुकसान तो हुआ निश्चित रूप से, लेकिन कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान से सबसे ज्यादा कौन सा तबका प्रभावित हुआ है, कितना प्रभावित हुआ है, उस कैसे को उभारेंगे। बेरोजगारी की जो तादाद है पहले से ही बढ़ती चली आ रही थी, एक अनुमान के मुताबिक हम कह सकते हैं कि इस महामारी के प्रकोप से लगभग 20 से 25 करोड़ लोग आबादी बेरोजगारी के दलदल में पुनः फंस जाएगी। ये जो पैकेज की जो हमारी भारत सरकार ने दी है, निश्चित रूप से बताएं। स्वागत योग्य कदम तो है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक प्रयास है। पैकेज को खर्च करने के दो तरीके इसमें मुझे समझ में आते हैं। पहला वो है कि एक बड़ी रकम जो है कर्ज के रूप में बाजार में उतारी जाएगी, दूसरा वो है सरकारी लगाई जाएगी।
तो अब बात यह है कि कर्ज की जो रकम है वो कैसे लोगों के पास पहुंचेगी, उसके लिए सरकार ने मौद्रिक उपायों के जरिए कोशिश की है। हम यहाँ पर बहुत से मैनेजमेंट के विद्यार्थी भी जुड़े होंगे, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट जाने सर को कि स्मार्ट गोल यानी स्मार्ट के जरिए हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पैकेज का क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका मैनेजेबल कैसे किया जाएगा। तो स्मार्ट जो शब्द है वो 5 शब्दों से मिलकर बना है, एस यानी लक्ष्य का स्पेसिफिक केंद्रित होना, विशिष्टीकरण, एम यानी मेजरेबल लक्ष्य को कैसे नापतोल किया जाएगा, मेजर कैसे किया जाएगा कि हम जिनके लिए लक्ष्य बना रहे हैं वो लक्ष्य कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है। तीसरा आता है आपका ए यानी अचीवेबल, हासिल लायक हो, ऐसा ना हो हमने लक्ष्य रख लिया लेकिन उतना हासिल हमको नहीं हो पा रहा है जितना हमको हासिल करना चाहिए था। चौथा शब्द आता है आर यानी रिलायबल, लक्ष्य विश्वसनीय होना चाहिए। पांचवा शब्द टाइम, टाइम मैनेजमेंट यानी एक समय, समय की व्यवस्था होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ही समयबद्ध समय समय पर पूरे जो हमने समय दिया है उस समय पर वो पूरा हो सके। तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य सरकार ने रखा या जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है उस आर्थिक पैकेज की घोषणा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो, पूरी तरह से पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और निश्चित रूप से सरकार का ये लक्ष्य रहता है, मानना रहता है, हम सभी का मानना रहता है, इस पर मैं समझता हूँ सारे इकोनॉमिक अर्थशास्त्री या समाज शास्त्री सहमत होंगे कि पात्रों तक वो चीज कैसे पहुंच पाती है। समावेशन यानी हमारा अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उस तक उसका निश्चित रूप से यदि लाभ पहुंचाने में हम लोग या हमारी सरकार सफल हो जाती है तो हम समझेंगे कि इस महामारी के निर्मूलन में या हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में बहुत बड़ी भूमिका हमारा ये पैकेज निभा सकता है। क्योंकि आज हम दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, ना केवल हमको सप्लाई बढ़ाने की चिंता होनी चाहिए बल्कि सप्लाई के साथ साथ डिमांड मार्केट में कैसे क्रिएटिव हो। और डिमांड क्रिएटिव होने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि लोगों के हाथ में यानी आय का सृजन हो, मुद्रा हो। जब तक लोगों की आय का सृजन नहीं होगा, लोगों का पैसा नहीं होगा, उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देते रहेंगे, दूसरा पहलू मांग को बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः सभी के प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम सबके लिए यह जो है अनुकरणीय होगा। माननीय संचालक महोदय, नेक्स्ट वक्ता को आमंत्रित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने जी 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 अभी मैं अपने मुखोक्ताओं के बीच में हमारे कुछ ऑडियंस भी अपने विचार रखने के लिए अपना नाम भेज रहे हैं। तो संतोष जी आपने अपना विचार भेजा है, अगर आप अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। संतोष जी। जी नमस्कार सर, संतोष देसाई। जी मैम। सर अभी अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमने एक स्मार्ट के मॉडल के ऊपर हम अपनी प्रोविजनिंग करके चल रहे हैं, अभी अभी जो हमने स्पीकर से सुना, मेरी सर एक ही सवाल है। पहली बात तो हमने उनको माइग्रेंट बनाया कैसे, राइट? अभी हमने एक वर्ड यूज किया माइग्रेंट, सर वो हमारा ही हिस्सा थे जिनको हमने माइग्रेंट बना दिया। आज हम जो भी कुछ हैं हम उनकी वजह से हैं, और अगर हम उनको प्रवासी कहते हैं तो आज तक हम प्रवासी शब्द का जो प्रयोग करते थे अपने देश से बाहर वालों के लिए करते थे। जब हम जाते थे तो हम प्रवासी होते थे, जब वो आते थे तो वो प्रवासी होते थे। तो अपने ही देश के अंदर अगर हम प्रवासी बना देंगे तो वो डेफिनेट वो अपने घर को तो जाएंगे ही, वो देश और विदेश की कहानी तो अपने ही देश में हो रही है ना। फिर आप बात कर रहे हैं सर कि प्रोविजनिंग हमने जो की है वो रिलायबल होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उसमें फिट होना चाहिए, उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, मेजरमेंट अच्छी होनी चाहिए। आई एग्री।
सर, पर मैं आपकी जो दूसरी बात बड़ी रख रही हूँ कि जो असली मुद्दा है वो जहां से शुरुआत होती है और जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंच नहीं पाता, तो उसको हम कैसे पहुंचाएं? ये हम सिर्फ अगर बातों में ही सर करते रहेंगे, पिछले 50 दिन से हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं सर, हम किसके इंतजार कर रहे हैं? हम इसको कैसे पहुंचाएं, हमें प्रैक्टिकली उसके ऊपर सोचना चाहिए। आई एम सॉरी कि मैंने अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया हो, बट ये बड़ी स्थिति दयनीय है हमारे देश की कि हमें जिसने बनाया आज हमने उसको देखने की भी कोशिश नहीं की। जी मैम, जी जी सर, जी प्लीज। जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने जो है रखी है कि आज के इस दौर में जिस तरह से हम मजदूरों को एक नाम दे रहे हैं प्रवासी का, तो क्योंकि हम अपने ही घर में अपने ही परिवार और अपने ही बीच के लोगों से एक भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, ये वास्तव में सोचने के लिए बात है। और ये भी बात आपकी सही है कि अब तक 50 दिनों से सिर्फ हम लोग चिंतन चिंतन किए जा रहे हैं, वास्तविक धरातल पर कुछ भी नहीं, मतलब इतना सार्थक हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से आज का जो ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें एक सोच बदलेगी और हम आसपास सभी जहां तक संभव होगा ये कोशिश करेंगे कि एक नई चेतना को अंजाम दें। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत ही हृदय को छू लेने वाला मुद्दा, और आपने उस मुद्दे को उठाया, और प्रयास भी यही है कि उस मुद्दे को उठाया जाए। और हम अपने ही घर में बेगाने बन गए हैं, और जिन लोगों को हम जानते नहीं थे वो हमारे दीवाने बन गए हैं, जो बाहर रहा करते थे वो आज हमारे अपने हो गए हैं, और हम घर में हैं और हम पराए हो गए हैं। तो ये बहुत चिंताजनक है, और हमारा ही पैसा, हमारे जेब का पैसा हमसे दूर गया, और हम तक पहुँचने के लिए कितने जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वास्तव में सोचने विषय है। और मैं आने वाले अपने जो हमारे अगले वक्तागण हैं, मैं उनसे आशा करता हूँ कि आप इसका जरूर अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो हमारे संचालन की एक जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपने विशेष जो विशेषज्ञ हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पॉइंट को नोट रखें और इसका जवाब जरूर देंगे अपने वक्तव्य में। मैं अगला नाम डॉक्टर अखिलेश मिश्रा सर, आप जबलपुर से हैं। सर, अगर आप तक आवाज पहुँच रही है तो आदरणीय आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करने की कृपा करें। सर नमस्कार, सर आवाज आ रही मेरी? सर क्लिंत्रा सर, जी सर आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है, स्वागत है सर, आपकी आवाज आ रही है। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं महेश जी से नमस्कार कहूंगा। जी नमस्कार, नमस्कार। महेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं सर्वप्रथम पहले इस कार्यशाला के आयोजक संस्था गुरुदीप कॉलेज का धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ हमारे पुराने मित्र महेश जी को भी नमस्कार कहूंगा, और पूरी संस्था का मैं आभारी हूंगा जिन्होंने मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी कुछ बात रख सकूं। आज ये जो सेमिनार या वर्कशॉप जो आयोजित की गई है, इसका जो मुख्य बिंदु है कि शासन द्वारा इस COVID-19 के प्रकोप से प्रभावित समस्त भारतीय जो कि अपने दैनिक जीवन को जीने में दिक्कत आ रही है, इसके लिए उन्होंने राहत का पैकेज दिया है जो कि लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक का था। इस राहत पैकेज का कितना लाभ किसको होगा और इसे कैसे लाभ भी मिलेगा, इस संबंध में कुछ मैं दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा यहाँ पर। मैंने अभी अपने से पहले ही एक मैडम ने वक्तव्य रखा मेरा, मैडम ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों के संबंध में बात कही, और साथ ही साथ मैडम ने ये भी कहा कि क्या ये जो राहत का पैकेज या जो राशि दी जा रही है, ये राशि उन समस्त लोगों तक समय पर पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, माध्यम क्या होगा। तो मैं अपने दो ही बिंदु ले रहा हूँ यहाँ पर। पहला बिंदु मेरा जो यहाँ पर है वो है मजदूर, और दूसरा है उद्योग, क्योंकि कोई भी देश कोई भी स्थान ये इन दोनों के आधार पर चलता है, जिसे हम विकास कह सकते हैं। विकास अगर हमें पाना है तो हमें अपने आप उद्योग धंधों को मजबूत करना पड़ेगा, व्यापार को मजबूत करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस उद्योग को चलाने के लिए जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसे मजबूत करना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने
जो पैकेज दिया है, जो राहत दी है, वो काफी सराहनीय है। यहाँ पर जो भी राशि इस पैकेज के माध्यम से इन तक आएगी वो निश्चित रूप से विकास में एक अभूतपूर्व योगदान प्रदान करेगी, ऐसा मैं सोचना होगा, यह मेरा सब मानना है। मैं सर्वप्रथम बात करूंगा पहले अपने इस राहत पैकेज में मजदूर वर्ग के लिए। एक मजदूर वर्ग जो यहाँ पे आज विभिन्न पूरे देश में फैला हुआ था, लेकिन कोविड की महामारी से उसकी जीविका में या उसके विभिन्न प्रकार के आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में दिक्कत आ रही थी, जिस कारण से लगभग दूसरे लॉकडाउन तक, मतलब 40 दिन तक वो सारे मजदूर उन्हीं एक स्थान में फंस गए और उन्हें निकलने में या काम करने में दिक्कत आ रही थी, जिस कारण से दूसरे लॉकडाउन के बाद से या तीसरे लॉकडाउन के प्रारंभ से ही शासन ने उन्हें अपने घरों से निकलने के लिए अनुमति दी और विशेष ट्रेन चलाकर विशेष साधन प्रदान करके उन्हें अपने घर तक पहुंचाया। इन मजदूरों के लिए शासन के द्वारा लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई, जो कि इनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ देगी। इवन इसके पहले भी जो लाभ 170 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री द्वारा राहत पैकेज दिया गया था, जिसमें डायरेक्ट मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को लाभ हो रहा था, उनको जो जनधन योजना खाते से जुड़े हुए थे महिलाएं या वर्ग, उनको भी प्रति माह 500 रुपए का प्रति माह एक आर्थिक मदद दी जा रही थी, चावल, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सब्सिडी, गैस मुफ्त देना, ये विभिन्न चीजें दी जा रही थी। इसमें और इसे और बढ़ाते हुए अभी जो हमारे यहाँ पे लगभग पिछले अगले 2 माह तक के लिए इस राहत पैकेज के माध्यम से 8 करोड़ प्रवासी भारतीयों को, 8 करोड़ मजदूरों को इससे इन्हें मुफ्त में खाना की सुविधा दी जा रही है। क्योंकि निश्चित सी बात है, जब कोई व्यक्ति आज अपने घर जाएगा तो उसको ना तो तुरंत रोजगार मिल पाएगा और ना ही उसे कोई आय के स्रोत मिल पाएंगे। इसलिए शासन के द्वारा इस राहत पैकेज के माध्यम से इन मजदूर वर्ग को सबसे पहले खाने की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें कि चावल, गेहूं, दाल मुफ्त दिया जा रहा है। साथ ही साथ युवक कृषक वर्ग जो कि अपने गांव में रहते थे, अपने क्षेत्र में रहते थे, लेकिन एक निश्चित समय के बाद खेती में दिक्कत आने के बाद वो अपने घर से बाहर गए और वहां काम कर रहे हैं, लेकिन इस कोविड कारण लौटना पड़ रहा है, ऐसे किसान वर्ग को भी शासन कर्ज दे रही है मुफ्त में, कम ब्याज पे या कुछ समय सीमित समय के लिए ही उन्हें कर्ज दे रही, ताकि वो कृषि कार्य कर सके और विभिन्न कार्यों को संपन्न करा सके। फिर शासन द्वारा लगभग ये जो गरीब वर्ग है या तबका वर्ग है, इनमें 67 करोड़ कार्ड धारक ऐसे रहेंगे जिन्हें की आसानी से कहीं भी रहे वो उनको राशन मुफ्त में प्रदान कर सकता है। राशन का मतलब पोर्टेबिलिटी क्या है, राशन की पोर्टेबिलिटी जो है इस योजना के माध्यम से स्टार्ट की गई है। इसके साथ ही साथ इन मजदूर वर्ग को या श्रमिकों के लिए शासन ने रहने का मकान की भी व्यवस्था कराई है, जो पीपी मॉडल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन्हें मिलेगा। और ऐसे लोग जो कि छुटपुट काम करते थे, जिनके छुटपुट बाकी फेरी लगाने काम करते थे, जिसे हम कह सकते हैं रेडियो पटरी वाले मजदूर कह सकते थे, या वो थोड़ा थोड़ा सामान लेके बेचते थे, व्यापार भी करते थे, मजदूर भी करते थे, ऐसे लोगों को भी शासन के द्वारा लगभग 10,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति कर देने की बात की गई है, जिससे कि लगभग 50 लाख लोग मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। इवन आदिवासियों को भी जोड़ा गया है कि कुछ आदिवासी जिनके क्षेत्र में कोविड के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था, इन्हें भी विभिन्न प्रकार के इन्हें भी एक स्पेशल 6,000 करोड़ रुपए का फंड बनाकर के लाभ प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकार की जो मजदूर संबंधी योजनाएं चलाई गई या कह सकते हैं मजदूर संबंधी जो राहत पैकेज दिया गया, ये ना केवल इनको रोजगार देगा अपितु इनको अपने ही क्षेत्र में रोकने के लिए आगे सफल हो सकता है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उद्योग की बात कर रहा हूँ, एक लघु और मध्यम उद्योग जिसे हम एमएसएमई कहते हैं। एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं आज हमारे यहाँ एमएसएमई जो है काफी जगह काफी हद तक बैकवर्ड कह सकते हैं, हर मामले में, तकनीकी मामले कह सकते हैं, स्किल मामले कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं इनका पूंजी कमी है, या कह सकते हैं कि मजदूर भी कमी है। अब यहाँ पे जो मजदूर अलग राज्यों में जा रहे हैं, ये सारे मजदूर जो हैं, इन एमएसएमई को पर्याप्त मात्रा में एक मजदूर की संख्या मिलेगी और हो सकता है इनमें से ऐसे योग्य मजदूर मिल जाए जो कि उनकी उस उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में मदद करे। पूरे भारत में
या पूरे देश में लगभग 6.34 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनमें से 6.3 करोड़ केवल सूक्ष्म माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, ये पूरे देश में 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो लघु उद्योग है, मतलब कुटीर उद्योग कह सकते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज कह सकते हैं, ये 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, जबकि पूरा एमएसएमई की संख्या जो है 6.34 करोड़ है। इस पूरे एमएसएमई के द्वारा 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है, इस 12 करोड़ में से 10.5 माइक्रो एंटरप्राइज रोजगार देता है। अतः ये स्पष्ट थोड़ा देखिए बात यहाँ पर कि एमएसएमई के द्वारा लगभग 12 करोड़ के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं पूरे देश में, ठीक है। अब ये लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, ये बात होगी आज तक बात होगी, अब ये देखिए संख्या बढ़ेगी और, क्योंकि लोग बाग जो है अन्य जिलों में जाके कार्य करते हैं, अन्य प्रदेश में कार्य करते हैं, अभी लौट के आ रहे हैं, नो डाउट है इनको अपने क्षेत्रों में रोजगार का मौका मिलेगा। शासन के द्वारा जब ये राहत पैकेज दिया गया, इसमें से भारत को आत्मनिर्भर बनवाने के लिए, एमएसएमई के देश एमएसएमई को मजबूत करने के लिए, क्योंकि एक उद्योग न उद्योग को ही बल्कि राज्य को, जिले को और देश को भी एक आर्थिक गति प्रदान करता है, इसके लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज के। अखिलेश सर जी, एक स्टूडेंट का सवाल है, विकास शर्मा पूछ रहे हैं कि जो हमारे मजदूर अन्य राज्यों से अपने अपने राज्य या किसी भी राज्य में वापस आ रहे हैं, क्या वह राज्य उन मजदूरों की जो उनकी योग्यता है उसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे या उनका यूज कर पाएंगे सही से? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा सर कि मजदूर अभी हमारे जो, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, ये यूपी की बात करें, अब यहाँ के मजदूर कहाँ गए थे? बाहर गए थे, वो अपनी योग्यता अनुसार कार्य करने के लिए वहां गए थे, चूंकि उनको अपने क्षेत्र में कार्य नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो एमएसएमई को बढ़ाया जा रहा है, अभी कुछ समय पहले योगी जी ने कहा था कि यूपी में लगभग 90 लाख लघु कुटीर उद्योग पूरे हैं, अगर एक एक व्यक्ति को रोजगार देंगे तो 90 लाख हमारे मजदूर की खपत हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमारे उद्योग बढ़ेंगे नो डाउट है रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। इसी तारतम में विभिन्न प्रकार के आर्थिक पैकेज का ऐलान शासन द्वारा किया गया है, जिससे कि एमएसएमई सीधे लाभान्वित होगी, इनकी कर्ज की माफी की जा रही है, या यहाँ पे नई एमएसएमई की परिभाषा दे दी गई है। नई एमएसएमई की परिभाषा में इनका उद्योग ऑटोमेटिक बढ़ने की एक बड़ा क्षेत्र इनको प्रदान किया जा रहा है। जो पूर्व में एमएसएमई का परिभाषा हुआ करती थी आप सभाओं में, वो पूर्व में जो सूक्ष्म उद्योग कहे जाते थे, 25 लाख से कम निवेश वाले कहे जाते। देखिए वर्तमान इस पैकेज के आने के बाद जो सूक्ष्म उद्योग कहे जाएंगे वो कहे जाएंगे जिनका 1 करोड़ से कम निवेश है। आप सोचिए कहाँ 1 करोड़, कहाँ 25 लाख, तो अंतर आ गया, नो डाउट है। निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उस व्यापार को बढ़ाने में जो बेसिक काम होता है वो मजदूरों का ही होता है। मजदूर वर्ग की आवश्यकता होती है, हमें बिना मजदूरों के कोई उद्योग नहीं कर सकते, और इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि जो मेरा सोचना या मानना है कि आज एक स्किल्ड व्यक्ति को हम कैसे पहचान रहे हैं, उसको सर्वप्रथम प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक निवेदन रहेगा शासन को या आप लोगों की, आप जब इसका प्रतिवेदन बनाएं इसमें ये बात जरूर रखें कि आप समस्त मजदूर वर्ग या वो समस्त व्यक्ति जो कि व्यापार उद्योग से जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, उन्हें एक प्रशिक्षित किया जाए उद्योग के माध्यम से, ताकि वो अपना सही योगदान दे सके। तो यहाँ पर मैं और भी कहना चाहूंगा कुछ, आप जो एमएसएमईज हैं इनके लिए अलग अलग पैकेज शुरुआत की गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण पैकेज मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पर जो पैकेज में बात आई है वो कहा गया है कि जब इनको कर दिया जाएगा तो वो ऐसी कंपनियां या ऐसे उद्योग जिनके पास में 25 करोड़ रुपए का लोन बकाया है या जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर है, 25 करोड़ का भी बकाया उनको भुगतान करना बाकी है या 100 करोड़ तक का टर्नओवर है, ऐसी कंपनियों के लिए या ऐसे उद्योग के लिए शासन ने भी प्रावधान रखा लोन देने के लिए, जिसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। यह ऑटोमेटिक लोन सिस्टम होगा जो एमएसएमई को दिया जाएगा, और इस प्रावधान से लगभग 45 लाख यूनिट्स देश की प्रभावित होंगी और लाभ लेंगे। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जिन एमएसएमई का 25 करोड़ रुपए भी देना बाकी है, बकाया है, उनको भी लोन मिल रहा है। मतलब कि जो एमएसएमई दिवालिया हो रही थी या डूब रही थी या बंद हो रही थी, सरकार को रिवाइव कर रही है यहाँ पर। अगर ये रिवाइव हो गई
जग जाएंगे, सीधी बात रोजगार बढ़ेगा, और एक सबसे लाभ होगा कि स्वदेशी, हमारे देश में स्वदेशीत्व को महत्व मिलेगा, स्वदेशी के आधार पर देश में पुनः विकास होगा और हमें आत्मनिर्भरता की ओर यह अग्रसर करेगा। यहाँ पे मैं इन विभिन्न माध्यमों से आपके इस प्लेटफॉर्म के या वर्कशॉप के माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा। सुझाव मेरा ये रहेगा कि हमारे शासन के द्वारा जो राहत पैकेज के माध्यम से स्वरोजगार और उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये क्षेत्र अनुसार उद्योगों को योग्य श्रमिक या कर्मचारी अपने क्षेत्र में मिल पाएंगे? एक सवाल ये अभी आया था, उसी में बता रहा हूँ बात। यहाँ पर इसमें ये कहा मैंने कि सबसे पहले श्रमिकों की पहचान की जाए, कौन व्यक्ति योग्य अयोग्य, और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु इसी में रहेगा कि शासन को एक नियम बनाए, नीति बनाए। माननीय डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखें। बस सब खत्म हो गए, दो लाइन और तीन लाइन। थैंक यू सर। ओके सर। तो मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी शासन नियम बनाए तो इसमें ध्यान रखे कि जो भी मजदूर अब माइग्रेट हो दूसरे जिलों में या राज्यों में या प्रदेशों में, तो ये उद्योग धंधे उनकी एक सूची बनाकर रखें कि बाहर जिलों से क्यों आ रहे हैं, और इसकी सूचना प्रदेश को दिए या शासन को दें, और शासन इनको अपने स्थानों पर पुनः स्थापित करने का प्रयास करे ताकि इनको इसका लाभ मिल सके और अपने राज्य अपने क्षेत्र में ही लाभान्वित कर सके लोगों को, और उद्योगों को बढ़ाने में मदद कर सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जो है विश्लेषणात्मक अपनी प्रस्तुति रखी, और वास्तव में ये बात सही है कि इस पैकेज के माध्यम से जो दूरगामी परिणाम है वो वास्तव में सकारात्मक ही आएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। संचालक महोदय, अगले वक्ता को आमंत्रित करें। जी सर, धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषित किया। मैं अगले अपने वक्ता के रूप में जिसे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, आप हैं डॉक्टर अरविंद सिंह, आप सागर से हैं। आदरणीय, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करने की कृपा करें। डॉक्टर अरविंद सिंह जी, हेलो सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अरविंद सिंह जी, ठीक। उपासना गुप्ता मैम, अगर आप आवाज सुन पा रही हैं तो प्लीज आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकती हैं। उपासना गुप्ता मैम, हेलो, उपासना गुप्ता मैम, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकती हैं। आप, हेलो, आप लोग मैम जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर आप तक आवाज पहुंचती है तो आप पहले अनम्यूट हो लिया करें और उसके बाद आप प्रारंभ करें, क्योंकि आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। उपासना मैम जी, हेलो, अभी तक म्यूट है। उपासना मैम, अगर आप आवाज सुन पा रही हैं और आप अपना, उपासना गुप्ता मैम, आप अपना मोबाइल देखें, उस पे आपका म्यूट लगा हुआ है, आप अनम्यूट हो लीजिए तभी आपकी आवाज मिल पाएगी। चलिए मैं आगे और दूसरा नाम करना चाहूंगा, क्योंकि आप तक आवाज जो जा रही है हमारी उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैं प्रशिक्षण महाविद्यालय विधि महाविद्यालय से डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, आदरणीय, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नहीं है जी। जी नमस्कार साहब। अरे सर नमस्कार, आप अपना विचार प्रस्तुत करें सर, और समय सीमा हम सब के लिए निर्धारित हुए तो समय सीमा का भी पालन करना है। आदरणीय, आप अपना वक्तव्य शुरू करें। जी 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 नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, विधि महाविद्यालय ललितपुर के विधि विभाग का विभाग अध्यक्ष। आप समस्त प्रवक्ता गणों को इस वेबिनार के माध्यम से हमारे महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर प्रथम मैं पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के माननीय संस्थापक महोदय जी डॉक्टर पारसनाथ यादव जी एवं प्रबंधक डॉक्टर सूर्यनाथ यादव जी, डायरेक्टर श्री सौरव यादव जी एवं पूजा यादव जी, साथ ही पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के
यशस्वी प्रचार डॉक्टर महेश कुमार झा जी एवं पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सूफिया मैम जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी के सहयोग से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक मंदी से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख से अधिक के पैकेज के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया गया। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं एवं बाहर से उपस्थित समस्त प्रचार विभागाध्यक्ष एवं शोध छात्र छात्राओं को हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि विदित है, आज 22 मई 2020 को पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इकोनॉमिक्स विभाग द्वारा आयोजित लॉकडाउन अवधि में आर्थिक मंदी के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ से अधिक के पैकेज के संदर्भ में एवं आर्थिक मंदी क्या होती है, इसके कारण एवं प्रभाव के विषय में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। तो इन्हें मैं आप सभी के समक्ष संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने और किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग के लोगों समेत समाज के सभी प्रभावित वर्गों और क्षेत्रों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से के अधिक के संदर्भ में विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। ये बातें तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज जो प्रदान किए जा रहे हैं, वो जो समाज में गरीब, निर्धन या असहाय व्यक्ति है या जो प्रवासी मजदूर है, उन व्यक्तियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचे। तो इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि आर्थिक मंदी क्या है और इसके कारण और प्रभाव क्या है। तो विश्व आर्थिक मंदी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रीजन, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट दर्ज की जाती है और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ होता रहता है, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहा जाता है। आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक मंदी को इस प्रकार से समझा जा सकता है, जब लोगों के पास पैसे की कमी होती है तो वह अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करते हैं। आवश्यकताओं को कम करने से उत्पादित माल की बिक्री नहीं हो पाती, माल की बिक्री ना होने से कंपनी को लाभ कम होता है। कंपनी अपने लाभ के अनुसार ही कर्मचारी को रखना चाहेगी, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी की जाती है, जिससे लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी का उनके परिवार पर भी पड़ता है, जिसके कारण वह अच्छा भोजन करने में भी असमर्थ होते हैं। इसके संदर्भ में मैं इनके कुछ रीजंस बताऊंगा, कुछ कारण है आर्थिक मंदी के संदर्भ में। आर्थिक मंदी का मुख्य कारण धन का प्रवाह रुक जाना। धन के प्रवाह से आशा है कि लोगों की खरीदने की क्षमता घट जाती है और वह बचत भी नहीं कर पाते। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, जिससे महंगाई दर बढ़ जाती है और लोग अपनी आवश्यकताओं की चीजें नहीं खरीद सकते। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, आयात के मुकाबले निर्यात में गिरावट होने से देश का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी देखने को मिलती है। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वार की वजह से भी दुनिया में आर्थिक खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर भारत पर भी हो रहा है। मंदी के समय निवेश कमलेश सर जी, मंदी के समय कमलेश सर हो जाता है। एक मिनट सर, दो मिनट है कमलेश सर। तो एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, संतोष कुमार जी हैं। जी जी, जरा इसके बारे में बताइए। ये पूछ रहे हैं कि सारे सेक्टर जो है वो बगैर मध्यम क्लास आदमी के कैसे अप्रोच करेंगे, जब उसके पास अभी पूंजी नहीं है तो वो लोन लेके अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा लेंगे। ये खरीदार तो मिडिल मैन ही है और मिडिल मैन के पास पैसा नहीं है जी।
अगर गवर्नमेंट से अगर लोन ले रहा है सर, संतोष दिस साइड प्लीज सर, मैडम आप जी, आप मैडम क्या मैं सर बात कर सकते हैं? जी जी सर, मेरा पूछने का जो सवाल है वो मेरा ये नहीं है कि मिडिल पर्सन, मेरा ये है कि कोई भी अगर वो मजदूर है, कोई भी क्लास है, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हम उद्योग की बात कर रहे हैं कि उद्योग होंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, तो जो भी ये लोन का प्रोसेस है हमारे पास, ये जितना भी पैकेज अनाउंस हुआ है उसके अंदर क्या हमें फिर से कंसल्टेंट चाहिए होंगे, क्या हमें फिर से बीच की कोई अप्रोच चाहिए होगी जो हमें रास्ता दिखाए? अब मैं मजदूर की बात करूं तो मजदूर को नहीं मालूम उसको क्या मिलने वाला है, तो ये हम उन तक कैसे पहुंचाएं, उनको कैसे अवेयर करें कि बीच के रास्ते बंद कर दें जहां पर हमारा हमेशा एक मिडल मैन अपनी एक अप्रोच बना के और वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी फीस लेता है। कंसल्टेंसी फीस लेता है, ठीक, कंसल्टेंट जो है उनको कैसे हटाया जाए, लूप होल समाप्त करना है। तो सर ये लोन का एक मजदूर कैसे फायदा उठा सकता है, उसको लोन के बारे में कौन बताएगा, किस तरह से उसको पता लगेगा? अभी तो हालात ऐसे हैं कि उसके पास वो सब चीजें, वो सोर्सेज ही नहीं है इन सब चीजों को सुनने के लिए, तो कौन बताएगा उसको? मतलब हम भी तक हमारे साथ जो पूरे सिस्टम के साथ चलता था सर, हमारे पास एजेंट सिस्टम चलता था, कोई भी हमें काम करना है ना उसमें नंबर ऑफ एजेंट्स होते थे, तो वो बीच के जो हैंड्स हैं वो कैसे खत्म होंगे, कैसे डायरेक्ट अप्रोच बन पाएगी किसी की भी, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो मजदूर है। देखिए मैडम, तो थोड़ा सा सर्विस के ऊपर फोकस डालेंगे तो पता लगेगा। इस संदर्भ में जो है गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है इस चीज के लिए कि जो भी हमारा चैन सिस्टम है, चाहे वो वितरण का राज इसका वस्तु वितरण का भी हो या लोन से संबंधित हो, तो इस संदर्भ में प्रशासन लगातार उसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पारदर्शिता को पूर्णतः लाने के लिए हम आम जन के अंदर भी ये सोच होनी चाहिए, एक सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी इस तरह के मजदूर हैं या जरूरतमंद लोग हैं उनको भी हम लोग अवेयर करें, केवल प्रशासन पर ही निर्भर ना रहें। ये प्रायः देखा जाता है कि हम आपके बीच के ही लोग इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है इस संगोष्ठी के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं वो भी ये निश्चय कर लें कि भाई हम समाज में जहाँ भी रह रहे हैं हम आसपास के लोगों को इतना अवेयर कर दें कि वो अपने हक को पहचानने लगें और उस सिस्टम को पहचान जाएं जो कि शासन हमको मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है पारदर्शिता के साथ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कमलेश सर जी, अपना अगर व्याख्यान अगर आप करा गया है तो आप पूरा कर लें। जी जी, ध्यान रखें। जी, आर्थिक मंदी का प्रभाव जो समाज में पड़ता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट पॉइंट है मेरा, आर्थिक मंदी से बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में देखा जाए तो लॉकडाउन की अवधि में बहुत से प्रवासी मजदूर जो हमारे अन्य राज्यों में फंसे हैं और बेचारे पैदल चल के आ रहे हैं, कई तो अभी बीच में दुर्घटना से ग्रसित हो गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ मजदूरी नहीं मिलेगी लोगों को तो वहाँ कैसे जीवन यापन हो, तो इसके चलते बेरोजगारी में वृद्धि होती है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचता है, आर्थिक विकास दर लगातार गिरते रहती है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होती है, बचत और निवेश में भी कमी होती है। इसी के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पटेल सर, हेलो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही सराहनीय रहा आपका ये वक्तव्य, और आपने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया सीधे और सीधे शब्दों में। संतोष देसाई मैम का क्वेश्चन था, उसका जवाब भी मिला, शायद कुछ संतुष्ट भी हैं आप, और मैं अपेक्षा करता हूं कि जितने लोग भी हमारे सुन रहे हैं, जो हमारे बीच के मिडिल मैन होते हैं, यानी कुल मिलाकर के हम अगर सीधे शब्दों में आर्थिक जो दौर है उसमें दलाल की भूमिका निभाने वाले, इस भूमिका को समाप्त करना होगा और तभी हम उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक जो हमारे बीच आने वाली सामग्री है उसका सही से क्रियान्वयन हो सकेगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अगले वक्तव्य और अगले वक्ता के लिए उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। अगर मैं पुनः एक बार पीछे चलता हूँ, मैंने आवाज और आपको आमंत्रित किया था, डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय मेहरौनी से। आदरणीय, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय मेहरौनी। जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दें सर। ठीक, मैं पुनः फिर अब आगे चल रहा हूँ कि सर आपका कोई रिस्पांस मिल नहीं पा रहा है। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह जी, डॉक्टर अरविंद सिंह सागर से हैं सर, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना वक्त प्रारंभ करें। पीके यादव ककरेला। आपका अभी नाम बुलाया जाएगा पीके जी। ककरेला जी। अगला नाम है डॉक्टर राम भजन जी। सर आप सतना से हैं? अच्छा अच्छा, राम भजन साकेत सर जी, आप सतना से हैं, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करने की कृपा करें। डॉक्टर राम भजन साकेत सर जी, आवाज आपको मिल रही है सर? चलिए नेक्स्ट, हम अगले अपने वक्ता और हमारे जो आदरणीय हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह राजपूत, आप प्राचार्य आरएबीडी महाविद्यालय। आदरणीय, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह राजपूत। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कम मिल पा रही है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हेलो जी जी, हाँ मिल रही है सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। जी सर, आवाज आ रही है जी? हेलो, राजन साकेत बोल रहा हूँ सर। हेलो हेलो जी जी, डॉक्टर राम भजन साकेत सर जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना वक्त प्रारंभ करें। आवाज बहुत कम मिल पा रही है। हेलो हेलो सर जी। जी सर, राम भजन सर जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। आगे बढ़ाएं। म्यूट है? नहीं, म्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है। चलिए मैं पुनः आपको, आपका नेटवर्क आने तक मैं दूसरे अपने वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैं प्रोफेसर विभा ताम्रकार, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रही हैं तो प्लीज आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मैम प्रोफेसर विभा ताम्रकार, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय। विभा मैम जी, आप अगर आवाज सुन पा रही हैं तो आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। विभा मैम, हेलो सर। हेलो, हाँ जी हेलो, राम भजन साकेत सर बोल रहे हैं। जी सर, आवाज अब आ रही है, अपना वक्तव्य प्रारंभ कर दें सर, नेटवर्क में हैं आप। जी सर, ये बोल रहे थे सर कि जो जो प्रत्यक्ष प्रवाह है सर, ये 20 लाख करोड़ के जो हैं सर, ये मध्यम वर्गों पर सर, इसमें हम थोड़ा अपनी बात रखेंगे सर, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सर। जी जी, स्वागत है, स्वागत है, आप रखें अपना विचार। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क। आवाज मिल रही है? यस सर, मिल रही है। हाँ भैया, आप शुरू करें सर। जी सर। जी जी, सबसे पहले मैं पहलवान गुरुदीन कॉलेज के आयोजक समिति को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही हमारे सीनियर डॉक्टर
महेश सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, संचालक महोदय की महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर मैं हेलो जी जी आवाज आ रही है, आप निश्चिंत ओके अपना वक्तव्य जारी रखें, अगर कोई बाधा होगी तो हम आपको आवाज देंगे। जी 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 सर, निश्चित रूप से जो योजना है मजदूर किसान वर्गों के लिए 3.16 लाख करोड़ की, निश्चित रूप से जनधन योजना के माध्यम से यदि इस पैकेज को यदि 38.08 करोड़ बैंकों में हेलो जी जी बोलिए, आप आपका नेटवर्क सही से नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्षमा चाहूंगा, अब जैसे कि नेटवर्क में आते हैं तो मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगा, क्योंकि समय सीमा जो है वो बड़ी तेजी से अपनी बाउंड्री के करीब पहुंच रही है, तो मैं पुनः अगले अपने वक्ता को आमंत्रित करता हूं और तब तक आप इंतजार करेंगे आपका हम पुनः अपने कॉलेज की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना विचार रखने का प्रयास किया। आपको मिल रही है जी महेश जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी सर आ रही है आवाज सर। जी सर प्रणाम सर। बेटा यार ऐसा है कि 2:30 बजे एक अलग वेबिनार जबलपुर में मुझे रहना है। जी 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 तो ये तुम जब चाहोगे मैं फिर लौटूंगा, लेकिन 2:30 बजे मुझे उनके साथ रहना है, मैंने टाइम दे रखा है। सर का जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोगों को आशीर्वाद मिला सर सफल आयोजन के लिए सर का वक्त, और हम चाहते हैं कि सर आशीर्वचन दो हम लोगों को मिल जाए तो अब बाकी का समय भी हम आपके सहारे निकाल लेंगे सर। जी जी बेटा जी, पूरा मेरा आशीर्वचन पूरा आपके साथ है, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस मैं 2-4 बातें आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आपके पास काफी जिज्ञासु व्यक्ति है, देसाई मैडम जैसे स्कॉलर्स है जो काफी क्यूरेटिव है, वहाँ काफी अच्छे लोग हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि 1 दिसंबर 2019 को जो है वो पहला कोरोना का केस वुहान में आया, और 13 मार्च को जो है WHO ने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित किया। भारत में जो है वो 30 जनवरी को जो है केरल में हमने पहला केस डायग्नोज किया, और उसके बाद जो है हमने 3 लॉकडाउन पीरियड निकाले, 24 मार्च से 24 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई और 17 मई से 30 या 31 मई जो भी है। तो यदि आप पहला टाइम पीरियड देखें तो 21 दिन का, दूसरा 19 दिन का, तीसरा 14 दिन का और चौथा अभी चल रहा है। तो इस तरह से ये 4 लॉकडाउन पीरियड्स में जो है हमने, ये एक ऐसी महामारी थी जो इस पूरी पीढ़ी ने हमारी कभी इस तरह का, लोग बताते हैं कि 1920 के आसपास जो है एक महामारी आई हिंदुस्तान में, हमारा उससे वास्ता नहीं पड़ा, हमने कभी उसे देखा नहीं। मैं आपसे बस 2 बातें करूंगा, एक तो रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही है बहुत ज्यादा कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, मैं आपसे बात करूंगा रिवर्स माइग्रेशन के साथ ये रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का भी पीरियड है यदि आप देखें तो, और इसमें जो भी स्थितियां बन रही है वो स्थिति में मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों के लेके जो भी स्थिति बनी है उसमें मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकार का बहुत समन्वय नहीं है और ये अव्यवस्था की स्थिति है और इससे हम संतुष्ट नहीं। दूसरी बात, हमारे पास जो है वो साधन है, सामर्थ्य है, सबसे बेहतरीन टैलेंट है, हम एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमारी सप्लाई चेन आधुनिक हो सकती है, हम अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं और जरूर करेंगे। सरकार की जो घोषणा है वो धरातल पर जब आएगी तब ये बात बनेगी। सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है उसमें सबसे अधिक रोजगार सृजन करने में MSME का जो है वो रोल होगा, और इस कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा जो है MSME के लिए सरकार ने की है। महामारी से ये सेक्टर बुरी तरह प्रभावित था, 12 करोड़ से अधिक लोगों को ये डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध कराता है, औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा 1/3 के लगभग है, और सरकार जो है 200 करोड़ की खरीद तक वैश्विक टेंडर की शर्त को खत्म कर रही है, कर दिया है,
तो इससे ये साफ है कि उत्पादन भारत में होगा और भारत में ही बिकेगा। एक रिपोर्ट अभी अभी मुझे सुबह में देख रहा था, CMII की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि 58% ग्रामीणों के पास इस समय एक सप्ताह के लिए जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां हमें काफी विचार करना पड़ेगा। और यदि आप देखें तो इस कोविड महामारी से जो है सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, ये दो बुरी तरह सफर कर रहे हैं। और यदि हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहती है तो उसमें निश्चित रूप से आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कृषि की रहने वाली है, क्योंकि कृषि क्षेत्र ही इससे अछूता रह गया है, बाकी सारे क्षेत्रों में इसमें गंभीर प्रभाव पड़े हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन ये होगा, सभी अर्थशास्त्रियों से निवेदन होगा, सभी नीति शास्त्रियों से ये निवेदन होगा कि हमें खेती की जमीन को बचाना होगा। और ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है और जो भविष्य में जो भी ट्रेंड बनेंगे उससे हमें खाद्यान्न की और अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए हमें खेती की जमीन को बचाना होगा। हमें एरोड्रम रेलवे स्टेशन को जो है वर्टिकल बनाने की सोच की तरफ बढ़ना होगा, इसमें हमें आर्किटेक्ट की मदद लेनी होगी। और ये एक निश्चित रूप से मैं आप सभी महानुभाव से ये निवेदन करना चाहूंगा, ये एक बहुत कष्ट का समय है, एक मुश्किल समय है देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। इससे न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे उभरेगी ये देखने वाला विषय होगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं आशीर्वचन है। महेश जी को मैं पुनः साधुवाद दे रहा हूँ, यादव सर को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आयोजन जो है विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनते हैं। मेरी उन सारे विद्यार्थियों से पूरी सहानुभूति है जो इस समय किसी भी तरह से अपने अध्यापक से जुड़े हुए हैं, अपने संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ये समय जो है कॉलेज में लाख लगा हुआ है, टीचिंग बंद करने का समय नहीं है। महेश जी आपको एक बार बहुत मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशीष वचन मिले सर हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू महेश जी। और मैं पुनः पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से अपने माननीय आदरणीय गुरुजी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन को स्वीकार किया और हम लोगों को आशीर्वचन प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सर 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 मेरे को थैंक यू सर, मेरा एक क्वेश्चन भी सर से था। जी जी बोले हैं सर। जी सर, सर प्रणाम। कौंडल जी बोले हैं, कुशल जी। जी सर, सर मैं विजय सर से एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी सर ने हमें इतना अच्छा बताया। सर मेरे पास एक छोटा सा आंकड़ा था सर, इसी में मैं आपके इसी में जोड़ूंगा इसको। 27 प्रोजेक्ट 22,6100 करोड़ जो है सर, वो 21 स्टेट को जो है, यूटी प्लस स्टेट को जो है सर, स्वदेश दर्शन के लिए दिए गए थे, स्वदेश दर्शन के लिए दिए गए थे सर। ये 2019 का आंकड़ा है सर, 18-19 का आंकड़ा है सर। और सर जैसे आपने बताया कि इसमें राज्य सरकार और सर अपना केंद्र सरकार के बीच जो है समन्वय नहीं बैठ रहा है सर, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और सर मैं इसमें ध्यान लाना चाहता हूँ कि अगर 22,600 करोड़ रुपया जो है एक टाइम टूरिज्म की योजनाओं के लिए जो है वो केंद्र सरकार 2019 में देता है सर 27 प्रोजेक्ट के लिए, सर ये जो 2,000,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे रही है, आज अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज्म सेक्टर से ये बात तो बेटा आप भी मानेंगे कि टूरिज्म सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, ये जो है सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर मैंने आपसे पहले ही कहा बुरी तरह इससे सफर कर गया है। न सिर्फ सर्विस सेक्टर, मैंने इंडस्ट्री सेक्टर, ये दोनों सेक्टर जो है कोविड से जबरदस्त ढंग से प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके इम्पैक्ट की स्टडी के लिए, थोड़ा सा समय इसमें देना होगा, क्योंकि किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो एक दिन में कोई भी कर सकता है। श्रमिकों की स्थिति जरूर बदतर है, ये स्थिति जो बनी हुई है इसके लिए राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को जो है गंभीर प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद गुरु जी इसके लिए आपने इस पर। प्रणाम सर जी। सर महेश जी मुझे अनुमति देंगे। जी 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 बिल्कुल सर, प्रणाम सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत यहाँ पे आभार कि आपने बहुमूल्य समय निकाला
और हम सबको आप इतने कम शब्दों में इतनी सारगर्भित तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को आपने रखा, और आपके भी वक्तव्य में वह दर्द हमें देखने को मिला, वो समस्या देखने को मिली जो सामाजिक रूप से हम सबके निचले वर्ग को बहुत झकझोरने वाली है। तो आदरणीय आपका बहुत बहुत आभार। अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से अब आपको पूरी तरीके से विदा करने के लिए आश्वस्त हूँ। तो आदरणीय आपको पुनः महाविद्यालय परिवार का प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद संयोजक महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी संचालक महोदय, अब नेक्स्ट वक्ता को बुलाने का कष्ट करें। जी 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 सर, मैं प्रोफेसर विभा तामकार में, मगर आवाज सुन पा रही हैं तो समय सीमा बहुत करीब है, तो अपना वक्तव्य संक्षिप्त शब्दों में रखने का प्रयास करें। डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर विभा तामकार मैम, विभा मैम अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आपका जवाब कुछ मिल नहीं पा रहा है, मैं पुनः अगले अपने वक्ता को आमंत्रित करने के लिए नाम बुलाना चाहूंगा। श्री विजय यादव जी, श्री विजय यादव जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर विजेंद्र श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विजेंद्र श्रीवास्तव जी प्लीज अगर आप तक भी आवाज पहुंच रही तो प्लीज अपना वक्त प्रारंभ करें। हाँ सर नमस्कार। जी जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर मैं डॉक्टर महेश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। हाँ सर, और आपकी कॉलेज की तरफ से भी बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। देखिये वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल मेरा एचआर का है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी कमी है वो है अटेंशन की, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए वो तो हमें भी समझ में आ रहा है कि सरकार ने ये पैकेज दिया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, पर अगर हर कार्य अटेंटिव तरीके से किया जाए तो सब चीज सही होगा। पर बात ये नहीं है कि उन्होंने एक आर्थिक पैकेज दिया है, और मुझे भी विश्वास है कि हाँ हमारी सरकार, चाहे ये सरकार हो चाहे विपक्ष सरकार हो, सब बेहतर के लिए सोचती है, परंतु मुख्य चीज ये है कि हमें एक प्रॉपर तरीके की जो प्लानिंग है उसको अब इम्प्लीमेंट करने की बात है, एग्जीक्यूट करने की बात है, जो हम कार्यान्वित करके करने की बात कर रहे हैं। अगर उस पर हम नहीं ध्यान देंगे तो ये आर्थिक जो मंदी है ये बनी रहेगी और ये खत्म नहीं होगी कभी। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से प्लान करके और उसको इम्प्लीमेंट करें। प्लान करने का काम तो कभी नहीं खत्म होता है क्योंकि जीवन भर चलता है, परंतु अगर हम सही तरीके से सही दिशा में करेंगे तो सभी को इसका फायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का बंदा हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, परंतु मेन जो हमारी मेन चीज है वो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है। और अभी हमें मुख्य ये चीज ध्यान देना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम किसी के भी विचार पे अगर हम ये करें कि उसने सही किया, इसने गलत किया, या अभी गड़बड़ है, या बहुत सारी चीजें, उन चीजों को हटाकर अगर हम सिर्फ मेन कार्य पे ध्यान दें तो इसका फायदा हम सभी को हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है आवाज। आ हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जो सबसे मेन चीज है अटेंशन, अगर अटेंशन रहे, अब अगर आर्थिक पैकेज का हो गया है तो कृपया अब इस चीज पे ना कार्यान्वयन जो है वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाए, अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग बेचारे अपने अपने राज्य वापस आ रहे हैं अभी, उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, अभी उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं है। हम पैकेज की बात कर रहे हैं, पैकेज तो बाद की बात है, सबसे पहले वो अपने घर पहुंच जाएं, अभी घर ही नहीं पहुंचे हैं, कई लोगों के साथ दिक्कतें हैं। हो सकता है कि मैं शायद सिक्के का एक पहलू देख रहा हूं, पर हमें सिक्के के दोनों पहलू देखना अनिवार्य है, तभी हमारा कार्य होगा। बस मैं इतनी बातों से अपनी बातों पर पूर्ण विराम देना चाहूंगा कि मेन चीज ये है कि हम जितने ज्यादा अटेंटिव रहेंगे तभी हमारा ये जो आर्थिक पैकेज है वो सही दिशा में उपयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। जो है अटेंशन की बात कहकर के ये बहुत अच्छी बात उठाई है कि भाई आज हमारे देश में, समाज में
यदि ये सावधानी और अटेंशन की बात पहले से ही यदि अपना ली जाती तो आज ये जी नहीं मिलती जी, क्योंकि देखिए आज आज कुछ दिक्कत हुई है तभी हमें अपना अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह काम करने जाना पड़ा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ कमी थी, तो अगर आर्थिक पैकेज भी हो जाए, हम वापस भी पहुंच जाए और फिर वो आर्थिक पैकेज सही तरीके से ना मिल पाए तो उसका फायदा क्या होगा, बस ये मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, निष्कर्ष के रूप में ही कहा जा सकता है कि अब भी समय है कि हम इस जो है सावधानी को अपना लें ताकि आने वाले भविष्य में भी इस तरह की कोई घटनाएं होती है तब भी हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। जी जी, आपका धन्यवाद सर जी। नमस्कार संचालक महोदय। धन्यवाद सर जी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला नाम और अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर उपेंद्र सिंह। डॉक्टर उपेंद्र सिंह सर, अगर आप आवाज सुन रहे हैं और आप तक आवाज पहुंच रही है तो प्लीज जी आप अपना वक्त प्रारंभ करें। जी जी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है बिल्कुल सर, आ रही है। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रणाम करता हूँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार करता हूँ जिन्होंने हमें बोलने खर्च करना है, कहाँ पे हमें इसको लगाना है, किस चीज में लगाना है। अभी सभी लोगों ने गरीब मजदूरों की बात की, लेकिन हम चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो एग्रीकल्चर से थोड़ी बहुत। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रस्तुत किया है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान में रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने सबसे पहले दिया है फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है, ट्रांसपोर्टर के लिए उन्होंने 500 करोड़ दिए हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया दिया है, और पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिया है, हर्बल खेती के लिए उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए दिए है, और मधुमक्खी पालन के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए दिया है। लेकिन एक बात उन्होंने और ध्यान रखा है कि दो लाख करोड़ रुपए उन्होंने केसीसी के माध्यम किसानों को लोन पहुंचाने के लिए उन्होंने दिया है। बस इन्हीं चीजों को हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे क्योंकि सर हमारे महेश कुमार सर जी ने हमको बोलने का मौका दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बिल्कुल जरूरी पहलुओं पे आप सबने बहुत ही ध्यान आकर्षित किया है, और मैं अपने जितने भी वक्ता हमारे अभी रह गए हैं मैं उनका नाम फिर से एक बार आपको आमंत्रित करता हूँ, बुला देता हूँ। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यानी हमारे आदरणीय वक्तागण अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। छूटे हुए जितने भी हमारे वक्ता हैं पुनः एक बार उनका हम उनको स्मरण दिला दूं कि अगर डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मैरोनी से अगर सर आप जुड़े हुए हैं, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो आदरणीय आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकते हैं। अभी पुनः मैं एक बार फिर डॉक्टर अरविंद सिंह सागर से आदरणीय अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपना वक्त प्रारंभ कर सकते हैं। जी आप तक हमारे दोनों रिस्पांस आए नहीं है आदरणीय, आप सबका रिस्पांस मिला नहीं है। मैं अगले वक्ता के रूप में अपने महाविद्यालय के छात्र पवन कुमार यादव को अपने विचार और कुछ सवालों के साथ आमंत्रित करता हूँ और अपने विचार और कुछ सवाल रखें, प्रारंभ करें। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आवाज आ रही पीके, चलो शुरू हो जाओ। धन्यवाद सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के एवं नमस्कार और प्रणाम। आज देश में स्कूल वायरस जैसी महामारी
फैल जाने के कारण पूरे विश्व में के सभी छात्र छात्राएं काफी रूप से परेशान हो रहे हैं, जिस कारण से छात्र छात्राओं के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने से काफी परेशान है, लेकिन पैकेज की बात है, सरकार ने इसमें तो पैकेज दिया है, लेकिन यदि है पैकेज सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के माध्यम से देते तो काफी इस समस्या में समाधान हो सकता था, लेकिन सरकार ने ठीक अच्छा की अच्छी बात है, तो सरकार को कुछ गलत करने के लिए नहीं है। लेकिन अब मैं अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि इस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में शिक्षा के क्षेत्र में कही जाने वाला एवं परम ज्योति जगाने वाला पहलवान गुरुदीन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को शिक्षा के क्षेत्र में निभाया है। बता दूं कि कॉलेज में एडमिशन होने लगे हैं तो आप सभी ऑनलाइन एडमिशन के साथ कराएं और आप सभी अपना चलिए ठीक है, आपका वक्त अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं अगले वक्ता के रूप में अपने कॉलेज से ही जुड़े हमारे प्रोफेसर रामलाल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है मैं आपको आमंत्रित करूंगा। उसके पहले हमारे बीच में रणजीत जी अपना कुछ सवाल या अपना कुछ प्रेजेंटेशन वो देना चाह रहे हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो रणजीत आप अपना वक्तव्य या अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। यस सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 लाख करोड़ रुपीज का जो प्रोजेक्ट था, जो पैकेज है गवर्नमेंट का, वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा खर्च करने वाली है। इसके अलग अलग तरह के पैकेज बनाए गए हैं कि किस तरह से हम अब जो मीडियम रैंक के लोग हैं, लोअर रैंक के लोग हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाए। इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज किया है। जैसे कि आपको पता होगा हम दो तरह की पॉलिसी को यूज करते हैं, पहला है हमारा फिजिकल पॉलिसी, दूसरा हमारा मॉनिटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के अंदर से टैक्स एंड स्पेंडिंग की बात करते हैं तो हमने इसके अंदर फोकस किया है रिलीफ पैकेज के अंदर। हम स्पेंड कर रहे हैं, हम इसमें स्पेंडिंग करेंगे रिलीफ पैकेज के ऊपर, और इससे क्या होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा। जैसे ही कंजप्शन इंक्रीज होगा हमारे कंट्री के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि मोर जॉब, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है इसको हम ठीक कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो पाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली बेनिफिट भी होगा। कैसे, जैसे कि यदि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, तो गवर्नमेंट को से टैक्स भी आ जाएगा, तो अल्टीमेट जितना गवर्नमेंट खर्च करी उसको गवर्नमेंट को ही बेनिफिट है, प्लस पब्लिक को भी बेनिफिट है। इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसमें हमने जो फोकस करा वो MSME पे किया है। ये बेसिकली होते क्या है, जो मीडियम है, स्मॉल, काफी छोटे जो उद्योग होते हैं, हमने इनको प्रमोट करने की कोशिश करी है। इसके अंदर बहुत सारे लेबर्स होते हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, जो इसके अंदर फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, तो इसका हमें बहुत बहुत बेनिफिट होता है, और ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप्स लिया है, हम इसका वेलकम करते हैं। और जैसे कि इसके अंदर और भी चीजें की गई, जैसे RBI के अंदर ने मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर हमने CCR और SLR के रेट रेज जो है हमने कम कर दिए हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब बैंकों के पास लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि बैंकों के पास लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को लोन दे पाएंगे, और जैसे ही लोन आएगा फिर से अपना काम स्टार्ट करेंगे, और ये चीजें फिर से कंजप्शन इंक्रीज होगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएंगी, और ये हमारा बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का, हमारी इंडिया गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा प्लान है, जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे होप है कि आगे भी हम और अच्छा करने वाले हैं, और हमें जो लोअर ग्रुप इनकम है और जो वीकर सेक्शंस के वो हैं, पीपल्स हैं, इनको इनसे बहुत बेनिफिट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है, कंटिन्यू योर लेक्चर सर। हाँ जी आवार जी बोलते रहे। हाँ यस सर, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान है, जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है वो खुद ही चीजों को मेकअप कर सकती है, उनके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं लोन लेने के, पर जो मीडियम स्केल्स के इंडस्ट्रीज हैं उनके पास बहुत सारे सोर्सेस नहीं होते हैं, तो ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और इसके अंदर जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है वो MSME को मिलने वाला है,
ठीक है, और जैसे कि हम कॉटेज इंडस्ट्री है, इनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, और ये बेसिकली बेनिफिट है ये हमारी गवर्नमेंट के लिए सर. हेलो सर. जी जी बोलते रहे. हाँ यस सर, सर मैं यहीं पर इसको एंड करूंगा सर. बिल्कुल, एक हम अपनी तरफ से हमारा सवाल है, जैसे आपने सारे प्लान को बताया कि मतलब छोटे से छोटे स्तर तक पहुंचेगा और पुनः अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो जाएगी और पूरी व्यवस्था चल पड़ेगी, लेकिन सवाल यही है कि कैसे पहुंचेगी निचले स्तर तक, सर निचले स्तर तक कैसे पहुंचेगी? सर इसके लिए जो लोअर हमारा वो है इंडस्ट्रीज है, हमें उसको फोकस करना होगा. जैसे जैसे वो डेवलप करेंगे वैसे वैसे हमारी ग्रोथ अपना भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. सपोज करो जो छोटे व्यापारी हैं, यदि उन्हें लोन मिल जाता, अभी हो क्या रहा है कि 2 महीने लॉकडाउन होने के कारण उनका बिजनेस चला नहीं, उनके पास वर्क फ्लो है नहीं, उन्होंने जो कैश वगैरह था उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, अब उन्हें क्रेडिटर्स को भी बैलेंस देना पड़ेगा. इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट किया है, जिसके पास भी क्रेडिटर 31 मार्च जितना भी क्रेडिटर का बैलेंस था उसका 20% गवर्नमेंट इमिडिएटली पेमेंट कर देगी, जिससे कि उन्हें एक रिलीफ मिलेगा और वो क्रेडिटर्स को आगे पेमेंट कर पाएंगे. दूसरा रिलीफ जो उनको एक लोन का बेनिफिट जो मिलेगा उससे वो मैक्सिमम चीजों का प्रोडक्शन करेंगे. जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी उन्हें लेबर की जरूरत पड़ेगी, हम लेबर्स लेंगे, और जो लेबर अभी माइग्रेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर आ जाएंगे और वहां पर वो वर्क करने लगेंगे. जो माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम है इससे ये भी रिजॉल्व होगी, और जैसे जैसे माइग्रेंट लेबर आएंगे जुड़ेंगे और उनकी सैलरी, उनको जब सैलरी मिलेगी तो बेसिकली उनकी भी इनकम बढ़ गई, अब वो बेसिकली मार्केट में फिर खर्च करेंगे, वो जितना खर्च करेंगे जितने चीजों का वो कंज्यूम करेंगे वो उतनी ही चीजें हमारे देश में और बनेंगी. तो इसका हमें बहुत बेनिफिट है, और हमें इस वक्त हमें ध्यान रखना होगा, हमें अपने देश की जो गुड्स है, हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उन पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा. अभी इस वक्त का बेनिफिट तो विदेशी कंपनी वो ये ले सकती है, क्योंकि जो इंडिया है यहाँ पर लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन है और यहाँ पर कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, और कोई भी कंट्री किसी भी विदेशी कंट्री चाहेगी कि उनकी कंपनियां यहाँ पर जाएं और यहाँ पर गुड्स को सेल करें. यदि हम अपने देसी कंट्री के गुड्स को हम खरीदते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सर ने बोला कि लोकल फॉर वोकल, हमें जो लोकल प्रोडक्ट है हमें उनको परचेज करते हैं, तो ये पैसा हमारे देश जो हम खर्च कर रहे हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा, वो हमारे देश लोगों के बीच में रहेगा, और वो उन्हीं के बीच. जैसे कि सपोज करो मैं कोई लोकल ब्रांड का सामान खरीदता हूँ, तो वो सामान जब मैं खरीदूंगा तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और उसके प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हमारे देश के लोग कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में इंक्रीज हो जाएगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा उतनी हमारी जो वेलफेयर या लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इंक्रीज होगा. बट यहीं पर यदि फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज आती हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं और हम उनका सामान खरीदते हैं, जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा, हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी और हमारे ये देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा. और जो बहुत धन्यवाद रणजीत जी, समय कम है फिलहाल, आपका वक्त बहुत शानदार है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को समझ में आई होगी बात, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा अगर आपका लंबा वक्त होगा तो, क्योंकि अब जी समय कम रह गया है. सर आपने मुझे मौका दिया और बहुत धन्यवाद. तो मैं अगला नाम बुलाना चाहूंगा, मैं अपने महाविद्यालय से प्रोफेसर रामलाल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही, विभा मैम. ओके रामलाल जी अभी नहीं, आपका विभा मैम का है एक्चुअली, उनका नाम काफी पहले से वेटिंग में है. तो विभा मैम जी आप तक आवाज पहुंच रही हो तो समय सीमा को ध्यान में रखिएगा आप भी, और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें. मैम अपना अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है अभी, अनम्यूट होइए पहले. मैम आवाज आप सुन पा रही हैं? आपका मोबाइल आपका जो है म्यूट है, यानी आवाज बंद है. आप अपनी उस आवाज को ओपन करें, उसके बाद हम तक आपकी आवाज आएगी, यानी किसी के पास भी आवाज आपकी जा नहीं रही है. विभा मैम प्लीज आपकी आवाज बंद है, आप अपना मोबाइल अनम्यूट कीजिए. हेलो जी जी, हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए. अच्छा अच्छा ठीक है. म्यूट. आदरणीय संस्थापक महोदय जी,
प्रिंसिपल सर, मैडम एवं मेरा समस्त स्टाफ एवं आए हुए अतिथिगण, आज मैं जो निर्मला सीतारमण द्वारा हमारे वित्त मंत्री द्वारा जो बिल पास किया गया है उसके संबंध में जो आज हमारे यहाँ सेमिनार है उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने हमें मौका दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस आज हम महिलाओं से संबंधित भी कुछ चर्चा करेंगे कि हमारे देश में महिला किस प्रकार से समाज सेवा के उसमें आगे है और उसमें भी बताएंगे, क्योंकि जो लॉकडाउन के बीच जो बजट आया है, जैसे कोरोना संकट से के लड़ने के लिए जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसमें किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों एवं अन्य कमजोर वर्ग जो हैं उनके लिए यह पैकेज बहुत ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो मंद पड़ती अर्थव्यवस्था को भी इसमें गति देने वाला यह पैकेज है जो इसमें जैसे जो प्रधानमंत्री द्वारा कई महिलाओं के लिए बहुत सारा योगदान इस पैकेज से दिया गया है। जैसे हम इसमें बता दें कि जो हमारी महिलाओं में जो प्रधानमंत्री द्वारा जो ट्विटर अकाउंट में सौंपा गया था 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए, तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने 7 महिलाओं को वो सौंपा था, जिसमें एक मालविका अय्यर जो बहुत प्रसिद्ध है समाज सेविका के, उसमें उनके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसमें क्या है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो लोग हैं इसमें चेन्नई की सबसे पहले हैं स्नेहा मोहनदास, जो फूड बैंक से संबंधित हैं, जो गरीबों को खाना खिलाती हैं और जो बेघर लोगों को भी खाना खिलाती हैं, फूड बैंक इंडिया नाम के अभियान यह चला रही हैं। दूसरी आती है इसमें मालविका अय्यर है, जो इनकी कहानी यदि आप लोगों ने सुनी भी होगी और देखा भी होगा इन्हें, तो बड़ी इतनी हिम्मतदार लेडीज के लिए मैं सत नमन करती हूँ कि मालविका अय्यर 13 साल के की उम्र में अपने बम धमाकों में दोनों हाथ खो चुकी थी, लेकिन आज इतनी तरक्की पे और इतना अवार्ड उन्हें मिल रहे हैं कि ये सोचनीय बात है। हम शरीर से हस्तपुष्ट रह के भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, एक महिला कितनी आगे बढ़ रही है। इसमें 13 साल में यह मालविका अय्यर ने एक बम धमाके में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे और एक डॉक्टर ने उन्हें एक किसी भी कारणवश एक हड्डी उनकी रह गई थी, वो गलत उससे जुड़ गई थी, लेकिन वो हड्डी आज उनकी उंगली का काम कर रही है। वो उंगली का काम करने से आज कंप्यूटर चला सकती हैं और जो सोशल मीडिया में वह अपना नाम कर रही हैं, वह कहती हैं किसी भी चीज को छोड़ देना विकल्प नहीं है, कोई भी चीज से हम हिम्मत हार जाएं और छोड़ के बैठ जाएं उसके लिए विकल्प नहीं होता है वो, और आज बहुत उसमें वह नाम कमा रही हैं। और तीसरी महिला है जम्मू कश्मीर की आर्या रिफा, जो शिल्प कला थी वो छूट गई थी उसे वह पुनः जीवित करती हैं। और चौथी है कल्पना रमेश, जल संचय के क्षेत्र में उनका नाम है, वह कहती है छोटी कोशिश बहुत बड़ा असर डालती है। कल्पना रमेश कहती है, पांचवीं जो महिला थी जो प्रधानमंत्री द्वारा जो ट्विटर अकाउंट सौंपा गया था उसमें पांचवी थी, महाराष्ट्र की विजया पवार, जो बंजारी लोगों से थी। हाँ मैं आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि ये ऑनलाइन मीटिंग है, 3 बजे अपने आप समाप्त हो जाएगी, तो आप समय ज्यादा नहीं रह गया है, मैं चाहूंगा 1 मिनट में आप अपना वक्तव्य का जो सार है उसको प्रस्तुत करें। जी मैम, ठीक है। तो महाराष्ट्र की विजया पवार है और छठवीं है कलावती, कानपुर की है, और सातवीं है बीड़ा देवी। इन्होंने जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मोदी सरकार ने जो 7 महिलाओं को जो ट्विटर दिया था अकाउंट ट्विटर, उसका उनका नाम है, फिर ये जो रखा गया। देखो विश्व की आर्थिक व्यवस्था ही एक देश को अपनी पहचान दिलाती है विश्व में, और जो आज एक कोरोना वायरस से लड़ रहा भारत उसमें जो पैकेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है देश के लिए बहुत सुखद, और इससे बहुत कुछ समाधान हो सकता है, ये अमीरों के लिए भी हो सकता है और गरीबों के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा है इस सरकार द्वारा। सर ये इतना ही कहना चाहते हैं, यदि समय नहीं है तो। ठीक
ठीक है तो हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग है और अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपना आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने इस वेबिनार में कि आपने आज दूसरे वेबिनार में लगातार अपना विचार रखा और आपके विचार ऐसे ही आगे हमें और प्राप्त होते रहेंगे। मैं अपने श्रोता साथियों से आग्रह करूंगा, अपने जो हमारे साथ जुड़े विद्वान हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर किसी को बोलना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के हमें जरूर सेंड करें। और मैं अपने आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के माननीय संस्थापक सर जी हैं वो लगातार इस मीटिंग में हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम को आपने अपने अध्यक्षता में पूरी तरीके से इसको वॉच किया और आप लगातार अभी तक जुड़े हुए हैं। तो मैं पुनः आज स्वागत की श्रेणी में हमारे अतिथियों के क्रम अलग थे तो एक बार मैं पुनः अपने इस आयोजन समिति की ओर से स्वागत करता हूं और ऑलरेडी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कुछ ही मिनट में अपने भी सारगर्भित विचार प्रस्तुत करें क्योंकि 9 मिनट शेष बचे हैं। ऑलरेडी आप अपना विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी, मेरी आवाज पहुंच रही क्या आप लोगों के पास? जी सर, प्रणाम सर। जी सर जी, मैंने पूरे वेबिनार को बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही प्रासंगिक विषय रहा आज का कि भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज एक बूस्टअप डोज के रूप में पूरी अर्थव्यवस्था को दिया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा रोजगार पर, जीडीपी पर तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में। इस वेबिनार में बुंदेलखंड ही नहीं अपितु भारत के कई राज्यों के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, शोधार्थी तथा प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रतिभाग किया। ये बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि हमारे देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है वह बहुत ही सजग है और हमारे देश की नीतियों पर तथा नीति नियंताओं पर नजर रखे हुए हैं कि हमारे देश के नीति निर्माता, हमारे देश के कर्णधार जिनके कंधों पर हमारे देश की जनता ने भरोसा जताया है, विश्वास जताया है तथा उन्हें अपने ऊपर नीतियों को बनाने के लिए अधिकृत किया है, यही हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशालता है और सजगता है। इसमें हमारे देश की सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए, कोरोना महामारी से उभरने के लिए हमारे देश में जो आर्थिक मंदी आई है, जो बेरोजगारी बढ़ी है संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, कैसे उन बेरोजगारियों से दूर किया जाए, रोजगार का सृजन किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए, इस पर पैकेज दिया है। जहां तक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का नियम है, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि मांग और पूर्ति के आधार पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो आपूर्ति बढ़ाने के लिए हमारे देश के जो MSME हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको बूस्टअप डोज दिया गया है ताकि ये उद्यमी पूंजी का निवेश करके अपने अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाएं। जब वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने का काम हमारे देश के MSME उद्यमियों द्वारा किया जाएगा तब रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन जब होगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन होगा, मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपूर्ति अगर कम होगी तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति के रहने से हमारे देश के उद्यमियों में आपूर्ति को बढ़ाने का एक भरोसा पैदा होता है कि अगर हम वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो हमको फायदा होगा, हमको लाभ होगा। तो उस लाभ को पाने के प्रयास में हमारे देश के MSME उद्यमी लगातार वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास होगा तो रोजगार
की मांग बढ़ेगी। हमारे देश में आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और ये युवा आज बेरोजगारी की कगार पर हैं। ऐसे युवाओं को जब इन उद्योगों में रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से इनकी आय बढ़ेगी, जब आय बढ़ेगी तो इनका जीवन स्तर ऊंचा होगा और हमारे देश की जीडीपी और जीएनपी का ग्रोथ होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस पूरे बूस्टअप डोज का। इसी के भरोसे सरकार ने ये प्रयास किया है कि हमारे देश के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा मिले तथा लोगों का विकास हो, जीवन स्तर ऊंचा उठे। किंतु पूरी बात सुनने के पश्चात एक जो संशय पैदा होता है कि हमारे देश में अभी तक उद्योगपतियों की जो स्थिति रही है कि हमारे देश का पैसा वह दुर्विनियोग करते हैं, उनको जिस लिए बैंकों से पैसा मिलता है, जिस कार्य को करने के लिए पैसा उनको ऋण के रूप में या बूस्टअप डोज के रूप में मिलता है, उस पैसे का वो सही नियोग, सही निवेश नहीं करते हैं। उसको कहीं विदेशों में ले जा करके लगा देते हैं, अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने लिए ऐसो आराम और बंगलों का जो है निर्माण कर लेते हैं, जिससे जिस लिए वह धन उनको दिया गया था सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से, वह मकसद पूरा नहीं हो पाता है, जिससे सही तरीके से रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है। अब ये हमारे सरकार का विषय है कि इस पैसे का सही तरीके से निवेश हो, इन निवेशकर्ताओं को जो धन की व्यवस्था की जा रही है, इस धन का सही तरीके से निवेश करके, सही तरीके से इसका इस्तेमाल करके हमारे देश के लोगों को रोजगार दें, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी, अदरवाइज इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। क्या आप लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, मेरी बात पहुंच रही है? जी सर, आवाज मिल रही है? जी सर, हाँ। मिल रही है ना? ये मैं जाना चाहता हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ जी सर, कोई रिएक्शन और कमेंट नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए। सर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसीलिए नहीं कुछ कर पा रहे। अच्छा अच्छा ठीक, मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए, अभी तक का जो इतिहास रहा है, हमारे देश में कई ऐसे उद्योगपति हुए जिन लोगों ने हमारे देश का कई हजार करोड़ रुपया अपने देश से ले जा करके बाहर विदेशों में ऐसे आराम में खर्च कर दिए और वह एनपीए हो गए। एनपीए होने से हमारे देश की जीडीपी प्रभावित हुई, यहाँ का रोजगार प्रभावित हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। अब सरकार को इस पर मजबूती से, बहुत कड़ाई से नियंत्रण करने की जरूरत है कि जो पैसा उनको इन रियायती दरों पर दिया जा रहा है, कम से कम ब्याज पे दिया जा रहा है और कम से कम उनको उसका टाइम, मोरेटोरियम का टाइम भी दिया जा रहा है कि आपको एक साल, दो साल, तीन साल तक वापस नहीं करना है, उसके बाद आपकी किस्त शुरू होगी। तो ये सब सरकार का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, नीति अच्छी है, बस इन नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाए तो निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास में, इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देने में हो सकता है। लेकिन पिछला इतिहास हमको संदेह और संशय के घेरे में रखता है कि चूंकि सही तरीके से निवेश और विनियोग नहीं हुआ है, इसलिए हम सभी लोग इस वेबिनार के माध्यम से सरकार को एक सुझाव दे रहे हैं कि कुछ ऐसी भी नीति बनाएं कि ताकि इन पैसों का दुरुपयोग न होने पाए, जिस मद में, जिस उद्देश्य से ये आप धन आवंटित कर रहे हैं, ये सभी उद्योगपति उसी मद में उस पैसे को खर्च करें, तभी जा करके इस देश का विकास संभव हो पाएगा। अदरवाइज जिस तरीके से हम लोग अभी तक चले आ रहे हैं, ऐसे चलते जाएंगे। वैसे भी कोरोना महामारी की वजह से आज हमारे देश में भीषण संकट चला है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो एक आंकड़ा निकल के आता है, लोग ये बताते हैं कि करीब 40 करोड़ लोग इसमें रोजगार पाए हुए थे, आज वह सभी लोग बेरोजगार होकर के अप्रवासी कहे जा रहे हैं। हम लोग अपने ही देश में अप्रवासी हो गए हैं, जबकि अप्रवासी और माइग्रेंट शब्द का प्रयोग तो विदेशियों के लिए किया जाता रहा है, लेकिन मैं देखता हूं कि एक परिपाटी चल रही है कि हम अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में अप्रवासी कहे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से बहुत ही कचोटता, ये दिल में एक कचोट पैदा होती है, एक तकलीफ होती है कि हमारे देश के लोगों को
जिन लोगों ने इस देश के विकास में अपना खून और पसीना बहाया है, आज वही लोग बेघर हो गए हैं, वही लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ही कष्ट की बात है। ये जो 20 लाख लोगों का बूस्टर डोज मिला है, इसका रिजल्ट तो आने में 2 से 3 साल लगेगा, क्योंकि जो प्रोसीडिंग है हमारे देश की, ये लाल फीताशाही वाली, नौकरशाही वाली, इस पूरी प्रोसीडिंग में सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में 6 महीने से लेकर के 1 साल तक लग जाएंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, जब इन्वेस्टमेंट शुरू होगा तो उसका आउटपुट आने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इन 2-3 साल तक हमारे देश के वे 40 करोड़ बेरोजगार जो हो चुके हैं वो क्या करेंगे, उनके जीविकोपार्जन का क्या उपाय होगा, उनके बच्चों की शिक्षा कैसे मिलेगी, वे अपने परिवार के लोगों का बीमारी में इलाज कैसे कराएंगे, तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने शायद अपनी आज की इस मीटिंग में ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं रखे हैं, रखना चाहिए था, ये पहलू कहीं ना कहीं से छूट गया है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरा एक सुझाव है कि जैसे 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, अब जो बूस्टर डोज दिया जा रहा है एमएसएमई को, जब उसका इन्वेस्टमेंट होगा तो 2-3 साल बाद उसका रिएक्शन आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब हमको देखेगा क्या प्रभाव उसका हो रहा है। इधर तत्काल आवश्यकता किस चीज की है, 2 जून की रोटी की। ये कहावत कही जाती है कि आग लगने पर कुआं खोदना, अगर आग लगी हुई हो तो उसको बुझाने के लिए आप कुआं खोदवाना शुरू करेंगे तो जब तक आप कुआं खोदेंगे पानी निकलेगा तब तक तो आग अपना काम कर चुकी होगी, सबको जला करके भस्म कर चुकी होगी। तो यह बूस्टर डोज कहीं न कहीं से इस कहावत को भी चरितार्थ कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, आप बोलते हैं। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं से इस कहावत को भी चरितार्थ कर रहा है। तत्काल में, क्योंकि देखिए कोरोना तो हमारे देश में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना होगा, इसी के साथ मरना होगा, इसी के साथ ही अपने जीविकोपार्जन को भी आगे बढ़ाना होगा, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये चाहिए कि एजुकेशन को फ्री कर दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह एजुकेशन में खर्च करता है, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। हर गार्जियन ये चाहता है, हर नागरिक ये चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा नागरिक बने, पढ़ लिख करके कामयाब हो, टैलेंटेड हो। तो ऐसी स्थिति में लोगों का रोजगार छिन गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो सरकार को समाज कल्याण विभाग के बजट को बढ़ा करके उस सीमा तक कर देना चाहिए कि जिस सीमा तक हमारे देश के छात्र और नौजवान पढ़ाई करना चाहते हैं। अर्थात आप देखते हैं कि स्कॉलरशिप का बजट सरकार कम करती जा रही है, वह चाहती है कि स्कॉलरशिप का बजट कम करके हम लोगों को पढ़ा लेंगे, लेकिन यह आज बदली हुई परिस्थिति में वह एकदम उल्टा है। स्कॉलरशिप का बजट सरकार को उतना करना चाहिए कि जितने स्टूडेंट हमारे देश में पढ़ना चाहते हैं, अर्थात बजट का निर्धारण स्टूडेंट की संख्या को, स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए जब होने लगेगा तो 100% छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी और स्कॉलरशिप पा करके छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे। तो इसको 100% कर देना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, परिवहन तंत्र था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, बंद हो चुका है, इससे जुड़े हुए सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो इन लोगों को भी अलग से बूस्टर डोज देना चाहिए, जो इसमें ड्राइवर्स थे, जो इसमें लेबर्स थे। तीसरी चीज, कोर्ट कचहरी भी बंद है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका पढ़ लिख करके विधि का व्यवसाय करता है कोर्ट कचहरी में, तो विधि व्यवसायियों का भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरा डेटा मंगा करके उनको भी कम से कम 5,000 से लेकर के 8,000 प्रति मंथ देना ही चाहिए, ताकि उनकी भी रोजी रोटी, उनका भी परिवार जीवित रहे, क्योंकि वो पढ़ लिख करके एडवोकेट बने, एडवोकेट बन करके उन्होंने कचहरी में कोर्ट में अपना व्यवसाय शुरू किया, आज वह बेरोजगार की स्थिति में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को उनके लिए भी कुछ अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। जितने हमारे देश में ड्राइवर्स हैं सबको परिवहन विभाग ने लाइसेंस निर्गत किया हुआ है, ऐसे ड्राइवर्स बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि
पहिए रुक गए हैं, तो ऐसे ड्राइवर के लिए भी कुछ व्यवस्था हमारे देश की सरकार को करनी चाहिए। ऐसे बहुत से उपाय हैं, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बीमार हो हमारे देश का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वह जिस भी बड़े से बड़े चिकित्सा संस्थान में अपने परिवार के लोगों का या अपना इलाज कराना चाहता है, तो ऐसे लोगों के इलाज की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि तात्कालिक रूप से इसी की आवश्यकता है। आप आग लगने पर कुआं खोदने का बूस्टर डोज दिए हैं, उसका रिजल्ट तो 3 साल बाद आएगा, अभी क्या होगा, अभी लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। हम आप सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर डेली देख रहे हैं कि हमारे देश के लोगों की क्या हाल है, क्या स्थिति है। लोग सड़कों पर चल रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, अप्रवासी कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। इससे वेदना होती है, दुख होता है। अब बुद्धिजीवी वर्ग कुछ कर तो पाता नहीं है, केवल सर म्यूट हो गए हैं क्या, कानों तक ये बात पहुंचेगी, और हो सकता है सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि समय ओवर हो गया है। संचालक जी कहें तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। सर समझदारों के लिए इशारा काफी होता, आप श्रेष्ठ और समझदार हैं, और इशारे को आप समझ गए होंगे, समय आप देख ही रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और हाँ बताएं जी सर, अगर आपका वक्त पूर्ण हो चुका हो तो आपसे निवेदन है कि अब यहीं पर आप अपने वक्तव्य को विराम दे दें। बिल्कुल, मेरा वक्तव्य पूर्ण हो चुका है, समय भी पूर्ण हो चुका है। समय और वक्तव्य और आपके इशारे को देखते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना, उज्जवल भविष्य की कामना। और पूरे संचालक कमेटी से निवेदन है कि सभी प्रतिभागियों का अभी 1 घंटे के अंदर प्रतिभागिता प्रमाण पत्र अवश्य निर्गत कर दिया जाए उनके ईमेल आईडी पर। जी सर, धन्यवाद। जी सर जी, धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। आभार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण अध्यक्ष किया और बहुत सारी गंभीर बातों पर, मुद्दों पर आपने एक राह दिखाई है, एक रोशनी डाली है, उस पे अगली हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब इस कार्यक्रम के अंत में और इसका अंतिम आभार प्रकट करने के लिए इस आयोजन समिति, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, चार विभाग के विभागाध्यक्ष और प्राचार्य गुरुदेव प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर महेश कुमार झा सर को आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम में आभार प्रकट करते हुए इसकी समाप्ति की घोषणा करें। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित समस्त विद्वत्जन और बहुत सारे हमारे साथी एवं शोध छात्र एवं हमारे माननीय परमादरणीय पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक महोदय डॉक्टर पारसनाथ यादव जी, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सूर्यनाथ यादव जी, और पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर सौरभ यादव जी, डॉक्टर पूजा यादव जी, एवं हमारे चीफ गेस्ट के रूप में पधारे डॉक्टर विजय सिंह परिहार जी, एवं जिन हमारे साथियों ने अपने ओजस्वपूर्ण विचार इस कार्यशाला में रखे, उन सभी का मैं अपने हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में मैं अनुरोध करना चाहूँगा एवं क्षमा चाहूँगा कि जिन हमारे विद्वान साथियों को मैं यहाँ आमंत्रित नहीं कर सका, भविष्य में मैं पुनः एक और अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करूंगा। उम्मीद है कि आप सभी इसी गर्मजोशी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज पर भी यह वेबिनार हमारा रिकॉर्ड होकर के अपलोड किया गया है, वहां से भी इसको सुन सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत बदनाम जी, धन्यवाद संचालक महोदय। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है, आज के इस वेबिनार को अब यहीं पे समाप्त किया जाता है। पुनः मैं एक नए वेबिनार में और एक नए तरीके से और एक नए विषय पर मैं अपने समस्त साथियों के साथ
और समितियों के साथ मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं रमेश चंद पटेल अब आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर पेज भी इसी नाम से है, कृपया इसको सर्च करें। और हमारे ओजसपूर्ण अभी तक जो भी हमारे प्राध्यापक साथियों ने इस लॉकडाउन के स्थिति में मेहनत करके कुछ कंटेंट्स भी तैयार किए हुए हैं, कंटेंट्स उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।